हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। आप मेरी सीरीज़ देख रहे हैं दिल्ली टू उज्जैन की, कैसे मैं दिल्ली से उज्जैन आया था और मैंने महाकाल के दर्शन वगैरह आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में कराए। अभी मैं उज्जैन में हूँ, यहाँ से मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाला हूँ इंदौर, और इंदौर में आपको हनुमान जी का एक टेम्पल है वो मैं आपको कवर अप कराऊँगा। फ़िलहाल मैं नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास हूँ और आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा मैंने कैसे इस होटल में स्टे किया था, और यहाँ से मेरी निकलने की प्लानिंग है। अभी टाइम हो चुका है 3:15 और डेट है आज 16 अगस्त। तो चलते हैं, मिलता हूँ आपको रास्ते में। तो गाइस, हम अभी जा रहे हैं पृथ्वेश्वर मंदिर जो पड़ता है इंदौर में, और ये देख सकते हैं ये मेरा साथ में फ्रेंड बैठा हुआ है। तो चलते हैं यहाँ से आगे और मिलता हूँ आपको पृथ्वेश्वर मंदिर के बाहर। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं पृथ्वेश्वर हनुमान मंदिर, और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था तो कुछ खास ऐसा था भी नहीं आपको दिखाने के लिए, तो मैं डायरेक्ट पृथ्वेश्वर हनुमान टेम्पल आ गया। ये पूरी पार्किंग है, यहाँ पर आप गाड़ी बाइक ला सकते हैं, तो हमने तो अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा दी है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर टेम्पल के लिए, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर बाइक भी पार्क कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी अंदर यहाँ से और दिखाता हूँ आपको अच्छे अच्छे नज़ारे मंदिर के लिए। आप देख सकते हैं सामने आपको खाने पीने के लिए फूड कार्ट भी मिल जाएंगे, और उस तरफ भी है। जो इस तरफ वाला फूड कार्ट है वो काफ़ी अच्छा टेस्टी सर्व करते हैं। तो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे होंगे, आप सीढ़ियों के माध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं और इस वाले रास्ते भी इससे भी जा सकते हैं, तो हम वैसे सीढ़ियों से ही यहाँ ऊपर जाएंगे। तो चलते हैं अभी ऊपर के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ पे प्रसाद की 2-3 दुकानें ही हैं, अदरवाइज़ तो ज़्यादा कुछ है नहीं ऊपर। और सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति, जय श्री राम, और ये थोड़ा पार्क एरिया बनाया हुआ है। चलते हैं अभी ऊपर। आपने देखा होगा मैंने सेकंड टाइम ये कवर कर रहा हूँ टेम्पल, इससे पहले आया था 1.5 साल पहले भी मैं आया था, तब यहाँ पर दिखाया था मैंने मंदिर को। तो चलते हैं अभी ऊपर, दिखाता हूँ दोबारा से मैं। तो ये देख सकते हैं टेम्पल है, यहाँ से चलते हैं आगे और चलेंगे फिर ऊपर यहाँ से। तो चलते हैं अभी आगे, आ जा। तो आप देख सकते हैं अंदर से ये कुछ ऐसा बना हुआ है टेम्पल। ये देख सकते हैं सामने हनुमान जी की मूर्ति लगाई हुई है अंदर, और सब यहाँ पर अभी पाठ कर रहे हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के, चलते हैं अभी यहाँ से ऊपर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ एंट्रेंस स्टार्ट हो गई ऊपर मूर्ति के लिए। तो चलते हैं अभी यहाँ से ऊपर और दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं ऊपर, और ये हनुमान जी की अभी 4 साल पहले ये नया टेंपल बना है, तो ये मूर्ति स्थापित की गई थी। जय श्री राम। ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़ वगैरह भी है, और ये पीछे का ऐसा व्यू आता है मंदिर के बैक साइड से, तो देख सकते हैं आप अभी ये मंदिर है पृथ्वेश्वर का इंदौर का टेंपल। तो देख सकते हैं आप, अभी मैं आ चुका हूँ नीचे, और ये सामने कुछ एरिया बनाया हुआ है यहाँ पर मंदिर के लिए, और अभी यहाँ से चलते हैं फिर आगे। और आप सभी ने देखा होगा मैंने सेकंड टाइम इसको विज़िट कर रहा हूँ टेंपल को, तो अभी टेंपल विज़िट कर लिया है और मैंने आप सभी को टेंपल विज़िट करा दिया है। सो अभी यहाँ से चलते हैं और मिलता हूँ आपको नीचे पार्किंग के पास। तो ये देख सकते हैं आप, अभी आ चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में, और निकालते हैं यहाँ से गाड़ी और चलते हैं फिर आगे के लिए। अभी देख सकते हैं हम रास्ते में जा रहे थे और यहाँ पर हमें दिखे दीपक भैया हॉट डॉग वाले, इनकी पानी पूरी देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप की होती है आलू पानी पूरी, ये भैया यहाँ पर बनाते हैं, और यहाँ पर बनता भैया का हॉट डॉग। तो अभी हमने लगवाया अपने लिए हॉट डॉग, खाएंगे फिर जाएंगे हम आगे। मैं आ चुका हूँ 56 स्ट्रीट, जो कि इंदौर की बहुत फेमस स्ट्रीट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पी रहा हूँ यहाँ पर, क्या बोलते हैं भैया इसको, कोकोनट क्रश पी रहा हूँ। तो पी के बताता हूँ कैसे लगा, काफ़ी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है। नारियल के पाली और मलाई से मिक्स होकर बनता है, और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा फूड और फिर खाऊँगा, बताऊँगा आपको, तो दिखाऊँगा यहाँ पर 56। तो ये आप देख सकते हैं अभी आ चुका हूँ मैं 56 स्ट्रीट फूड में, यहाँ पर दिखाऊँगा आपको एक से एक दुकान है बढ़िया,
तो चलते हैं अभी आगे छप्पन दुकान के लिए। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे है यहाँ पे विजय चाट वाला, जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस चाट होती है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है विजय चाट वाला पे, छप्पन स्ट्रीट मार्केट है। यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे फिर जाएंगे आगे, जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा कि हम क्या खाने वाले हैं, और जैसा भी होगा मैं बताऊँगा। जहाँ भी इसके बाद छप्पन स्ट्रीट के बाद मैं जाऊँगा, मेरा यहाँ से प्रोग्राम है जैसे कि ओमकारेश्वर जाने का, तो मैं यहाँ से जाऊँगा अभी ओमकारेश्वर। और मैं यहाँ पर थोड़ा आपको मैंने सोचा चलो दिखा देता हूँ मार्केट वगैरह, मार्केट देखेंगे फिर जाएंगे हम यहाँ से आगे। तो ये देख सकते हैं पूरी छप्पन मार्केट है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये छप्पन दुकान मार्केट है पूरी। और इस मार्केट से मैं जा रहा हूँ अभी ओमकारेश्वर के लिए, तो देखते हैं हमें ओमकारेश्वर पहुँचने में कितना टाइम लगने वाला है। 3-4 आवर्स के आसपास तो लग ही जाएंगे, तो चलते हैं यहाँ से। और हेलो गाइस, मैं हूँ अभी ओमकारेश्वर में, और आप सब ने देखा होगा मैं छप्पन दुकान से ओमकारेश्वर के लिए निकल गया था। ज़्यादा लेट नाइट हो गई थी तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए आपको था नहीं। अभी मैं ओमकारेश्वर पहुँच गया हूँ। ओमकारेश्वर से 5 किलोमीटर मंदिर से पहले एक होटल कॉटेज में स्टे लिया हुआ है, और यहाँ से अभी मैं अपना रेडी होके जाऊंगा ओमकारेश्वर के लिए। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा व्लॉग हो जाएगा, आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो मेरा सीरीज चल रही है दिल्ली टू उज्जैन, उसके थर्ड पार्ट में आपको मैं ओमकारेश्वर के दर्शन कराऊँगा और दिखाऊँगा कहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, कौन सा कॉटेज होने वाला है, क्या प्राइसिंग होने वाली है, सारी एवरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, अब नया व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे जो होगा पार्ट नंबर 3। तो अभी के लिए टाटा बाय, मिलता हूँ आपको थर्ड व्लॉग में।